हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिकम टीचर। कैसे हैं आप सभी लोग? डीएलएड एंट्रेंस का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, सूचना दे दी गई है चैनल पे, वो जारी हो चुका है। सरकारी कॉलेज का वो सेकंड लिस्ट था, इसमें भी बहुत लोग परेशान है। प्राइवेट कॉलेज का नहीं आया, मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ सेकंड लिस्ट में। जो भी लोगों का थोड़ा नंबर कम है, ऐसे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मेरा नाम नहीं आया है। ठीक है, देखिए, ये जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, जो आज जारी हुआ है, यानी 2 अगस्त को जारी हुआ है, वो सरकारी कॉलेज का ही जो बचा हुआ सीट था, आपने देखा होगा कि सीट का, वैकेंट सीट का नोटिस आया था। ठीक है, जिसमें सरकारी कॉलेज में किसी में 5, किसी में 10, किसी में 22, किसी में 55, 44, 40 ऐसे सीट बाकी थे, तो एडिट करने का मौका दिया था सिर्फ सरकारी कॉलेज का, और उसी को आज जो है सेकंड अलॉटमेंट जारी किया है। तो कुछ बच्चे परेशान हैं कि मैम मेरा नाम ही नहीं आया। तो देखो, सरकारी कॉलेज के अगर आपके उसके अप्रोक्स नंबर नहीं होंगे तो आपका सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया तो मेरे को प्राइवेट भी नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट कॉलेज मेरिट लिस्ट अभी आएगा, आया नहीं है, किसी बच्चे को कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला। तो प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर तक मिलेगा, ये वीडियो चैनल पर अपलोड है ना, बताया गया है कि कितने नंबर वालों तक को प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और सरकारी कॉलेज भी आज भी बहुत बच्चों को मिला हुआ है, फोन आ रहा है कि मुझे आज सेकंड अलॉटमेंट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। बच्चे बता रहे हैं कि सेकंड लिस्ट में भी उनका नाम आ गया है, तो बहुत बच्चों को आज गवर्नमेंट कॉलेज बिकम टीचर के माध्यम से मिल गया है। ठीक है, अब देखिएगा, तो प्राइवेट कॉलेज जो है मेरिट लिस्ट पूछ रहे हैं कब तक आएगा। तो देखिए, 10 अगस्त तक इसी के एडमिशन का डेट रखा गया है। 10 अगस्त तक उनका सूची जो है एडिट करने का मौका दिया गया, यानी कि लास्ट जो डेट है इसका सेकंड वाले का, ये 10 अगस्त है। यानी कि लास्ट जो डेट है सेकंड मेरिट लिस्ट वालों का, एडमिशन से लेकर के सीट जारी करने से लेकर के वैकेंट सीट का अपडेशन से लेकर के सभी चीजों का 10 अगस्त तक डेट मिला हुआ है। अब देखिए, सेकेंड मेरिट लिस्ट में बहुत कम चांस है कि फिर सरकारी कॉलेज में सीटें बचे। ठीक है, तो थर्ड जो मेरिट लिस्ट आएगा वो प्राइवेट कॉलेज का ही आएगा, प्लस में सरकारी कॉलेज वो बांट सकते हैं। यानी कि अब आपकी संभावना पूरी बरकरार है कि इसके बाद जो लिस्ट आने वाला है वो प्राइवेट कॉलेज का आएगा। पहले ये लोग, ये अच्छा काम है कि सरकारी कॉलेज सब बच्चों को दे दिया जो एलिजिबल थे, जिन्होंने काउंसलिंग किया था, फिर अब प्राइवेट का काउंसलिंग ये लोग आराम से करेंगे, वो भी एक लंबा प्रोसेस चलेगा। ये नहीं घबराना है कि प्राइवेट कॉलेज का चले गए। तो प्राइवेट कॉलेज का लास्ट, प्राइवेट कॉलेज का मेरिट लिस्ट इस डेट के बाद आएगा आपका, 10 अगस्त के बाद। यानी कि आप मान के सकते हो कि 10 से 15 अगस्त तक के बीच में आपका थर्ड मेरिट लिस्ट जो प्राइवेट का है वो आने की संभावना है। तो आप लोग वेट कीजिए 10 तक, और उसके बाद आपकी काउंटडाउन शुरू होगी सेकेंड मेरिट, थर्ड मेरिट लिस्ट यानी प्राइवेट कॉलेज मेरिट लिस्ट की सूचना आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको फिर एक हफ्ते का वेट करना है, प्राइवेट कॉलेज वाले जो वेट में है उनको एक हफ्ते का वेट करना है, और 10 से 15 अगस्त तक के बीच में कोई ना कोई नोटिस देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चे फिर कमेंट करेंगे कि मैम मेरा इतना नंबर है, मुझे प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा। तो देखिए, वीडियो सर के द्वारा डाला गया है, आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है, उस वीडियो को देखिए तो आपको मिलेगा कि उस वीडियो में सारी चीजें बताई गई है ना, उस वीडियो में सारी चीजें बताई गई हैं कि आपका कौन से नंबर पे कितने नंबर वालों को कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। हालांकि जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है, फेल नहीं हुए, तो 4 लाख, 4.5 लाख लोग हैं, सीट आपका 30,000 है। ठीक है, 30,700 करीब में, तो उतने लोग तो छटेंगे ही छटेंगे, लेकिन हाँ, काउंसलिंग जो बढ़िया से करेगा उनको मिल भी जाता है। बहुत लोग गवर्नमेंट की चाह में रहते हैं तो अपना सीट छोड़ भी देते हैं, नहीं लेते हैं, तो उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो जो बच्चे वेट में है प्राइवेट कॉलेज का, आप लोग 10 तारीख तक वेट कीजिए, 10 तारीख के पहले या फिर उसके बाद कोई ना कोई सूचना आपको मिल जाएगी थर्ड मेरिट लिस्ट को लेकर के, जो कि प्राइवेट कॉलेज से होगी, क्योंकि सेकेंड मेरिट तक में आपके गवर्नमेंट के सीट नहीं बचेंगे। बचना होगा तो बहुत रेयर केस में, कुछ ही कॉलेज में बचेंगे। ठीक है, तो उसको हो सकता है कि प्राइवेट में मर्ज करके दोनों कॉलेज का साथ में दे दिया जाए। ठीक है, बहुत बच्चों को शुभकामनाएं जिनको कॉलेज आज अलॉट हुआ है। अपना जिन भी बच्चों को मिला है वो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक शेयर करेंगे कि उनको कौन सा कॉलेज मिला है, ताकि हम लोग को भी पता चले। कॉल्स पे तो आ ही रहे हैं, आप लोग भी यहाँ पर भी सूचना दे दीजिएगा। बाकी जो 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका नंबर इस बार कम है और उनको सरकारी कॉलेज चाहिए, तो वो 2025 के प्रिपरेशन में लग जाएं। ठीक है,
2025 के लिए। तो आपको बीकम टीचर ऐप पर क्लास शुरू हो गई है, ठीक है। बीकम टीचर ऐप पर क्लास शुरू हो गई है। आप इस ऐप को क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद, है ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको डीएलएड एंट्रेंस के लिए उत्सव बैच दिखेगा। उत्सव बैच को आप क्या करेंगे, उत्सव बैच को ले लेंगे और अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। और जिन बच्चों को फिर भी कोई समस्या है बैच से रिलेटेड या इंक्वायरी से, तो आप सीधे सीधे नंबर दिया जा रहा है इस पे कॉल करके बात कर लीजिए। यहाँ से आपका कोर्स भी एक्टिव हो जाएगा, आपके क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो 1 अगस्त से ये बैच शुरू है, 1 अगस्त से लाइव क्लास शुरू है इसमें, 1 अगस्त से यानी कि कल से आपकी लाइव क्लासेस शुरू हैं। तो अपनी तैयारी को देर मत कीजिए। जिन बच्चों का नंबर कम है और वो लोग सरकारी कॉलेज या प्राइवेट अगले डीएलएड 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से जुड़ जाएं, ठीक है। तो प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लो, और नहीं तो आपको नंबर दिया गया है इस पे कॉल करके उत्सव बैच की जानकारी ले लीजिएगा। तो प्राइवेट कॉलेज लिस्ट और कट ऑफ के बारे में पहले से भी वीडियो डाला गया है, लेकिन कब आएगा आप लोग का एक ही सवाल है। तो आप लोग 10 तक वेट कीजिए, 10 से 15 के बीच में आपका ये नोटिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जिनको आज कॉलेज मिला उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़े रहिए बिकम टीचर के साथ, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।